कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों को सैलरी न मिलने का मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी से जुड़े कई अस्पतालों में काम करने वाले कोविड वॉरियर्स बीते दिनों से धरने पर बैठे हैं और सैलरी की मांग कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को दिल्ली के तीनों मेयर भी इस मसले को लेकर धरने पर बैठ गए। तीनों मेयर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना दिया और डॉक्टरों को सैलरी देने की मांग की। धरने पर बैठे हुए तीनों मेयर का कहना है कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए ताकि डॉक्टरों और अन्य एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी का मसला सुलझ सके। डॉक्टरों की सैलरी की मांग पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप की जंग चल रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि राज्य सरकार तीनों एमसीडी को कमजोर करने में लगी है और डॉक्टरों की सैलरी के लिए पैसा मुहैया नहीं करा रही है। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीते दिनों कहा था कि एमसीडी वालों के पास होर्डिंग लगाने और प्रचार करने के पैसे हैं, लेकिन डॉक्टरों की सैलरी देने के लिए नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा था कि जो डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं वो एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हर रोज 3,000 से लेकर 4,000 तक नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल और उस पर जारी राजनीतिक जंग दिल्ली वालों के लिए चिंता बढ़ा सकती है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।